नमस्कार संजय सर, मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बेहतरीन वीडियो लाया हूँ जो 23 जनवरी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं एनटीपीसी में, उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। और यदि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति 2 रुपये में, ये देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मेमोरी बेस्ड मतलब जो याद रहा वही क्वेश्चन, एग्जैक्ट तो याद नहीं रहेगा एग्जामिनेशन पेपर का, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि 2 रुपये में 15 की दर से आम खरीदता है, 2 रुपये में खरीदता है, ध्यान से देखें, खरीदता है 2 रुपये में कितने 15, और बेचता कितने में, सेल करता है 3 रुपये में 5। 2 रुपये में 15, 3 रुपये में 5 ये सेल करता है, बेचता है। इसके देखिए दो तरीके हैं क्वेश्चन लगाने के, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, यहाँ से 5 × 2 = 10, 15 × 3 = 45। तो देखिए 10 रुपये की वस्तु खरीदी गई है, 15 × 3 = 45, 45 रुपये में बेची जा रही है, कितना फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 35 का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है, 10 रुपये पर 35 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 35 रुपये का बाई CP, 10 है इंटू 100, कितना फ़ायदा हो गया, 350% फ़ायदा हो गया। या इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा प्रोसेस है कि कह रहे हैं कि CP है, CP कॉस्ट प्राइस 2 रुपये में 15, तो बेचता है 3 रुपये में 5, तो प्रॉफिट होगा या लॉस। या आप दोनों वस्तुओं को इक्वल बना लीजिए, दोनों वस्तुओं को इक्वल बना लीजिए, आप 3 से यहाँ पे गुणा कर दें, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 9, देखिए अब कितना हो गया, SP 9 रुपये में कितनी बेच रहा है 15, जितना खरीदा उतना ही बेच रहा है, जितना खरीदा उतना ही बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया है, यहाँ से देख लीजिए 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने का 7 का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35, 350% का प्रॉफिट हो रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ से भी 350% हो रहा है, इस तरीके से भी कितना हुआ 350%। ये दो मेथड यहाँ पे आपको समझ में आए होंगे, या तो आप वस्तुओं को इक्वल बना लीजिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपको तरीका समझ में आता है आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AB से 2 गुना कार्यकुशल है, यदि A और B मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, ए की इफिशियंसी 2 टाइम्स है कंपैरिजन टू बी, ए और बी मिलकर 20 दिन में कार्य करते हैं, बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कार्य बराबर होता है क्षमता इंटू समय, वर्क डन इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। अब यहां पे ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले से काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। ए की कार्यक्षमता, ए 2 गुना कार्यकुशल है, बी का मान लिया 1 है, तो ए का कितना हो जाएगा 2 × 2, ए का 1 तो बी का 2 हो जाएगा, ये इसकी इफिशियंसी है 2 टाइम्स है। अब देखिए यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, कुल कार्य इफिशियंसी ए और बी की कुल मिलाकर हो गई 3 इंटू टाइम कितना लग रहा है ए और बी को 20 दिन, कुल कार्य हो गया 60 यूनिट कार्य, इसे कौन करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसे बी करेगा, और बी की क्षमता कितनी है, ध्यान दें बी की क्षमता है 1, तो इसे हम 1 से डिवाइड कर देंगे। देखिए इसका एक मेजर पॉइंट है, जो कार्य को करेगा उसी की क्षमता से डिवाइड करते हैं, जो कार्य करे उसी की क्षमता से डिवाइड करते हैं, इस कार्य को बी कर रहे हैं तो हमने 1 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया हमारा 60 डेज, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी।
लेकिन अगर क्वेश्चन में ये होता कि ए काम को कितने दिन में करेगा, तो क्या होता, 60 यूनिट कार्य को कौन डिवाइड करता, टू, तो ये आ जाता 30 दिन, 30 डेज, तो ऑप्शन करेक्ट फिर होता फर्स्ट। लेकिन अभी कौन सा है, बी कितने दिन में करेगा, तो 60 दिन में। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, यदि अकेला ए 24 दिन में करता है तो अकेला बी कार्य को कितने दिन में कर लेगा। देखिए यहाँ पे ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में। अकेला ए कितने दिन में कर रहा है, अकेला ए कर रहा है 24 दिन में, तो बी कार्य को कितने दिन में करेगा। देख लीजिए कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, प्रीवियस 23 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिए, ए और बी मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में, और अकेला ए करता है 24 डेज में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 यूनिट। ये मान लिया कुल कार्य है, कुल कार्य कितना है, 24 यूनिट। ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 दूना 24, 24 एक कम 24। देखिए इसका एक मेजर टाइम एंड वर्क में क्या है, जो कार्य करे, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कार्य करे उसी की क्षमता से वर्क डन को डिवाइड करते हैं। क्लियरली समझ में आ रहे है? तो यहाँ पे ए और बी की क्षमता कितनी है, 2, अकेले ए की क्षमता है 1, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी, 2 माइनस 1 1, तो बी इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 24/1, 24 डेज। तो इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, ये ऑप्शन थे, तो ऑप्शन 24 डेज करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, तो जो भी कार्य करे उसी की क्षमता से डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, और तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, तो आपको बताना है ए और सी काम को कितने दिन में करते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं, इसका बेहतरीन सॉल्यूशन मिलता है कि ए और बी जो है वो करते हैं 16 दिन में, ध्यान से देखें, बी और सी मिलकर करते हैं 24 दिन में, जबकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं 12 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं, लासा, लासा ही कुल कार्य हो जाएगा, कुल कार्य 16 24 12, एलसीएम हो जाएगा 48। तो ये 48 यूनिट मान लिया कुल कार्य है, कितना 48 यूनिट कुल कार्य, टोटल वर्क डन कितना 48 यूनिट, 16 से भाग दे दे, 3 यूनिट, 16 3 48, 3 यूनिट पर डे काम होगा यहाँ से, सॉरी 24 2 48, 2 यूनिट पर डे काम यहाँ से होगा, 12 6 48, यहाँ से 4 यूनिट पर डे काम होता है। अब देखिए जो कार्य, हमने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, जो कार्य करे उसी की क्षमता से डिवाइड किया जाता है, उसी की क्षमता, तो इसका मतलब ए और सी इसमें निकालना है, तो ए और सी की क्षमता हमें पता होनी चाहिए, उसी से टोटल वर्क डन को डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान से देखें जरा, ए और बी की क्षमता कितनी है, 3, और बी और सी की कितनी है, 2, तो इतना ऐड कर लें आप, बी 2 बार आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, ऐसे लिख लीजिएगा इसको, बी आगे पीछे कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ए बी का है 3, बी सी का है 2, तो 3 2 5। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ए बी सी की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट, तो यहाँ पे रख लीजिए 4 + b = 5, तो b बराबर कितना, 1, b की क्षमता हो गई 1। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी सी की क्षमता कितनी है, 4, तो b की अकेले है 1, तो a प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 - 1 3। a और c मिलकर क्वेश्चन में कह रहा है कितने दिन में करेंगे, तो देखिए a और c मिलकर करेंगे, टोटल वर्क डन है 48/3, 3 1 कम 3, 3 6 18, 16 डेज,
ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, आई थिंक यहाँ पे 16 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा ए और सी का, 16 दिन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझ में आया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे भी प्रीवियस नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लगातार इसकी तैयारी करते रहें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि चार सम संख्याओं का योगफल 484 है, चार कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो दो से कट जाए पूरी तरह वो सम है, जो ना कटे वो विषम है, या फिर वी कैन से इन अदर वर्ड्स कि संख्या का अंतिम अंक अगर दो से कट जाए तो सम, ना कटे तो विषम। क्लियर है? तो आप देख लीजिए, चार सम संख्याएं हैं लगातार, यहां पे थोड़ा सा छूट गया है, चार सम संख्याएं, चार लगातार, ऐसे कर लीजिए, चार लगातार सम संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना दिया है, 484 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो आप देख लीजिए 484 बटे चार कर लीजिए, इससे क्या होगा, मध्य की संख्या आ जाएगी, मध्य मतलब बीच की संख्या आ जाएगी, चार एकम चार, चार दुना आठ, चार एकम चार, तो 121 ये बीच की संख्या है, लेकिन हमें कौन सी संख्याएं निकालनी है, चार सम संख्याएं, दो संख्याएं इसी से पहले होंगी और दो संख्याएं बाद में होंगी, तो इससे पहले वाली 120 हो गई, ये 118 हो गई, ये 122 हो जाएगी, ये 124 हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 118 सम संख्या है, लगातार सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या। क्लियर होगा? अगर सबसे बड़ी पूछता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीटिंग नंबर का क्वेश्चन है, बार का मतलब होता है ये जो आप लाइन देख रहे हैं ऊपर, ये बार का चिन्ह है, कैसे सॉल्व होता है जरा इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे 2/9, एक सिंगल डिजिट पे बार लगा हुआ है, बार हटेगा तो अपॉन में 9 आएगा, बार हटेगा तो अपॉन में 9 आएगा, क्लियर ना? तो यहाँ पे लिख लिया सेम एज 5/9 हो जाएगा, प्लस 7/9 हो जाएगा, प्लस 8/9 हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप, हर बराबर है, डिनोमिनेटर इज इक्वल, देन यू हैव टू ऐड ऑल द न्यूमरेटर्स, तो 5 × 2 = 7, 7 × 7 = 14, और 14 × 8 = 22, 22/9 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने 9 × 2 = 18, और 4 बचेगा, 9 × 2 decimal लगेगा, 9 × 2 = 36, और 9 × 2 = 36, 4×4 ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से आ जाएगा। तो इसको हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, 2.4 जो रिपीटिंग नंबर आ रहा है उसके ऊपर हम बार अप्लाई कर देते हैं, तो ये सारा प्रोसेस फिनिश हो जाता है। क्लियर है? ये सारा प्रोसेस फिनिश हो जाता है, तो फाइनल आंसर 2.4 बार आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमें इंटरनेट से मिले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और लाइक ज़रूर करें। यदि चाहते हैं कि और क्वेश्चंस हम करते रहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, या टेलीग्राम में ग्रुप है संजय सर मैथ्स ग्रुप, उसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।